हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। एक्चुअली तो इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वही चीज़ है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है। बट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी स्पीकिंग सिचुएशंस हैं जो कि नॉर्मली उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जिनके साथ स्पीच इश्यूज, स्पीच डिसफ्लुएंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, हकलाना, स्टटरिंग, स्टैमरिंग, बहुत फास्ट बोलना, बहुत तेज़ बोलना। तो हम इस वीडियो में कुछ बेसिक सिचुएशंस को डील करने वाले हैं। उन बेसिक सिचुएशंस को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बेसिक सॉल्यूशंस, के उनके बेसिक सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या होने चाहिए एक्चुअली। तो जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जिन लोगों के साथ स्पीच स्ट्रगल्स होती हैं उनसे जब कोई उनका इंट्रोडक्शन मांगता है, फॉर एग्जांपल कोई उनका नाम पूछता है, फॉर एग्जांपल कोई उनसे आके उनकी एज पूछता है, फ़ोन नंबर, होम एड्रेस, नेम ऑफ देयर स्कूल, नेम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसी एंग्जाइटी की और घबराहट की वजह से उनके साथ स्पीच डिसफ्लुएंसीज होती हैं बिकॉज ऑफ द फेयर एंड एवरीथिंग। सो उन लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ जो रियलाइज़ करने वाली है वो ये है कि हमें अगर कोई भी बात कहनी है, कुछ भी कहना है, कोई हमसे कोई सवाल पूछता है या हम खुद किसी कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट कर रहे हैं और हमने कुछ बोलना है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक चीज़ को बोलने का सिर्फ एक ही तरीका हो, एक ही वे हो। हमेशा बहुत से तरीके, लातादाद अंदाज में आप उस बात को कह सकते हैं। इससे होता क्या है, जब आपको लगता है कि सिर्फ एक ही वे है जिसमें मैं ये बात बोल सकता हूँ और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो इससे आपके दिमाग में एक फेयर, एक खौफ और डर आने लगता है कि अगर मैं इस अंदाज में ना बोल पाया तो क्या होगा। और जब वो फेयर आने लगता है, डर आने लगता है, खौफ आने लगता है, तो ऑब्वियसली उसका फिर एक इम्पैक्ट आता है आपकी स्पीच के ऊपर। तो सबसे पहले ये जान लेना आपको बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स मोड में ले आता है कि एक चीज़ को बोलने के बहुत सारे वेज हैं। कोई अगर आपसे आपका नाम भी पूछता है तो उसको बोलने का सिर्फ एक वे नहीं है, बहुत सारे वेज हैं। फ़ोन नंबर पूछता है, होम एड्रेस पूछता है, कोई और चीज़ पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स गिव एन एग्ज़ाम्पल, कोई अगर आपसे आपका नाम पूछता है, सो इंस्टेंट के आप डायरेक्टली अपना नाम बोलने जाएं और आप ना कह पाएँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं और वो नाम आपका मुंह से बाहर ना आ पा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुझसे मेरा नाम पूछता है, मैंने फ़र्रुख़ बोलना है और ये वर्ड फ़र्रुख़ बाहर नहीं आ पा रहा मेरे मुंह से, मैं उसको फोर्स आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। सो इंस्टेड ऑफ़ डूइंग दैट, देखें बहुत सारे वेज़ हैं, उसमें से कौन कौन से वेज हो सकते हैं अपना नाम बोलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी श्योर, तो मेरा नाम फ़रुख है, जी मेरा नाम फ़रुख है, जी तो मैं फ़रुख हूँ, आप अपने बारे में बताइए, जी तो मैं फ़रुख, मेरा नाम फ़रुख है। सो यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, फ़रुख, जी फ़रुख। सो इंस्टेड ऑफ़ सीइंग डायरेक्टली फ़रुख, यानी डायरेक्टली फ़रुख मैं नहीं बोल रहा, अगर आप नोट करें, फ़रुख, जी फ़रुख, जी तो मेरा नाम फ़रुख है, जी शुक्रिया, मेरा नाम फ़रुख है, जी तो मैं फ़रुख हूँ और आप। तो बहुत से वेज़ हैं जिसमें एक बात बोली जा सकती है, बहुत सारे वेज़। सेकंड, इफ़ यू नोटिस कि मैं फ़रुख वर्ड को बाय इटसेल्फ नहीं बोल रहा, यानी कि मैं फ़रुख वर्ड को अकेले नहीं बोल रहा, मैं इसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ और उन वर्ड्स के साथ मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, उन वर्ड्स के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा नाम
और फिर मैं फ़ारूक बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से उस नाम पे आके फंस जाऊँगा और मेरा जहन उस नाम को लेके सोचेगा, उसको लेके परेशान होगा और ऑब्वियसली उसका लिंक मेरी स्पीच पे नेगेटिवली आएगा, उसका इम्पैक्ट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट मैं क्या कह रहा हूँ, जी मेरा नाम फ़ारूक, मेरा नाम फ़ारूक, मेरा नाम फ़ारूक है। ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबा सा लफ्ज़ है, जी मेरा नाम फ़ारूक, मैं रुक नहीं रहा बीच में, मेरा नाम फ़ारूक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा नाम फ़ारूक है, मेरा नाम फ़ारूक है, जी मेरा नाम फ़ारूक है, जी मेरा नाम फ़ारूक है। आप अपने माइंड को, आप अपनी ब्रेन को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे कि वो उस वर्ड पे जाके स्टक हो जाए, वो उस वर्ड पे जाके फंस जाए। इनफैक्ट आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे कि आपका दिमाग उस वर्ड को सोचे भी, क्योंकि आप उसको लिंक कर रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उन दूसरे वर्ड्स के साथ। सो यू नॉट गिविंग योर सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी। फिर यू डोंट नीड टू से दैट इन अ रश, उसको तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी श्योर, मेरा नाम फ़ारूक है, जी तो मैं फ़ारूक हूँ। स्लोली वर्ड्स को खींच के, आराम से, सुकून से, लिंक करते हुए, कनेक्ट करते हुए वर्ड्स को आप उस चीज़ को बोल सकते हैं। जैसे कि कोई अगर फ़ोन नंबर पूछता है, उसमें भी इसके बजाय कि आप बहुत तेज़ बोलें और जाके फंस जाएं और आपको लगे कि एक ही वे में मैं ये बोल सकता हूँ और नहीं बोल पाया तो क्या होगा, इसके बजाय ये समझ लें कि बहुत सारे वेज हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपसे फ़ोन नंबर पूछता है तो डायरेक्टली फ़ोन नंबर बोलने के बजाय, जी श्योर तो मेरा फ़ोन नंबर है 0300-2597129, 2597129, मैं रुक नहीं रहा नंबर्स के बीच में भी, 259, और फिर मैं मुझसे 7 नहीं बोला जा रहा, या 2157329, 2157329। आप सुकून से वर्ड्स को खींच रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग, और सुकून से, सॉरी, बहुत आराम से वर्ड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, वर्ड्स को लिंक कर रहे हैं, और जो बात आपने बोलनी है वो आप बोल रहे हैं। कोई अगर आपसे आपका होम एड्रेस पूछता है तो जल्दी बोलने के बजाय एंग्जाइटी में सुकून से, जी श्योर तो मेरे घर का एड्रेस है A/2/21 न्यू रिजविया, या कैपिटल हाउसिंग सोसाइटी, या गुलिस्ताने जौहर, या दिस या दैट, लाइक वट एवर यू हैव टू से। गुलिस्ताने जौहर जी, Phase 6 DHA, Phase 6 DHA। आई एम लिंकिंग द वर्ड्स, आई एम लिंकिंग द वर्ड्स टुगेदर, मैं वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स को तोड़ तोड़ के नहीं बोल रहा बट उनको मर्ज कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दिस, यू आर लिंकिंग एंड कनेक्टिंग दोज वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, सुकून से, आराम से वर्ड्स खींच करके, एक्सटेंड करके, लिंक करके वर्ड्स को, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट सिचुएशन एक डिस्कस की थी, बहुत से लोगों को जब फ़ोन कॉन्वर्जेशन उनकी स्टार्ट होती है, जब भी उनको बहुत मसले मसाइल होते हैं कि उनसे हेलो नहीं बोला जा रहा होता, या उनसे अस्सलामु अलैकुम नहीं बोला जा रहा होता, और सामने वाला बंदा जो फ़ोन पे होता है वो हेलो 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 बोल रहा होता है और उनसे नहीं बोला जा रहा होता, तो यहाँ भी ऑब्वियसली बहुत सारे वेज़ हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगेन, सुकून से वर्ड्स को एक्सटेंड करते हुए, ब्लेंड करते हुए, इन्फ्लेक्ट करते हुए, मॉड्यूलेशंस लाते हुए वॉइस में, आप अपने आप को एक मुख्तलिफ़ स्पीकिंग रिदम में, एक मुख्तलिफ़ स्पीकिंग जोन में ऑल टुगेदर लेके जा सकते हैं। जी हेलो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे हेलो नहीं बोला जा रहा, सो यू कैन से हेलो, जी हेलो, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, अस्सलामु अलैकुम नहीं बोला जा रहा तो, जी क्या हाल हैं आपके, अस्सलामु अलैकुम। आप उसके साथ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ़ कि अस्सलामु अलैकुम बोलना है और वो मुंह से बाहर नहीं आ पा रहा तो, जी क्या हाल हैं आपके, अस्सलामु अलैकुम। ये नहीं कि जी क्या हाल हैं आपके और एक बार फिर रुक के अस्सलामु अलैकुम नहीं बोला जा रहा, जी तो क्या हाल हैं आपके, अस्सलामु अलैकुम।
जी हेलो, यू कैन इवन ऐड साउंड, साउंड्स भी ऐड की जा सकती हैं। हेलो, जस्ट टू गेट दैट एयर फ्लो गोइंग, उस एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जी हेलो, हेलो, और वो सारी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को यूज़ करते जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि उसके बाद में आपके इतने ज़्यादा सक्सेसफुल स्पीकिंग एक्सपीरियंसेस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं कि कुछ वक्त के बाद आप इन चीज़ों पे फोकस करना ही छोड़ देते हो, आप इन चीज़ों से खौफज़दा होना ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अगर इतनी बार इतनी दफ़ा बोल चुके हो और आपके पास इतने सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, तो आप उस बात पर फोकस करना छोड़ देते हो, वरी करना छोड़ देते हो और उस चीज़ का फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है आपको। और वंस आप उस चीज़ को लेकर वरी करना छोड़ देते हो, तो इनफैक्ट आपको ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके बाद में सुकून से आप उन चीज़ों को बोल सकते हो, उन चीज़ों को कह सकते हो, विदाउट द नीड टू डू समथिंग, विदाउट द नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन समथिंग और वट एवर इट इज़ एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ये वीडियोस इंडीड बहुत हेल्पफुल हैं, ये यूट्यूब वीडियोस, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप अगर वाकई अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम में आने की ज़रूरत है। इस प्रो 90D स्पीच सिस्टम का सेल्फ स्टडी कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस लिंक के ऊपर जाएँ और उस लिंक के ऊपर आप ये पूरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें होलिस्टिक सिस्टम है। ये सिर्फ छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट है। कोर्स में आपके पास होलिस्टिक सिस्टम होगा, मॉडलिंग, फ्री फ्लो स्पीकिंग, एक्सटेंडिंग, ब्लेंडिंग, फिनिशिंग एंड एफर्मेशंस, वर्किंग ऑन योर माइंडसेट, ऑल ऑफ द स्टफ़। जो भी कुछ मैं अब तक यूट्यूब वीडियोस में डिस्कस करता आया हूँ, जो कुछ आगे करता रहूँगा, ये बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको वाकई अपनी स्पीच को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, और नेक्स्ट लेवल से मेरा मुराद है एक एक्सीलेंट, अमेजिंग, अबव एवरेज स्पीकर, जैसे नॉर्मल लोग भी नहीं बोलते, आप उनसे भी बेहतर बोल पाओ। अभी हो सकता है आप हकलाते हो, स्टटर करते हो, स्टैमर करते हो, बट इस सिस्टम की मदद से आप एक ऐसे स्पीकर बन सकते हो जो कि बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा। मेरी स्पीच, मैं एक वर्ड भी नहीं बोल सकता था, एक वर्ड मेरे मुंह से समटाइम्स बाहर नहीं आता था। मुझसे अपनी कॉन्वर्जेशंस को मैं लेकर आगे नहीं चल सकता था, बिकॉज़ वो वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर नहीं आते थे। आई वुड कॉन्स्टेंटली गेट स्टक। तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। और अब क्या होता है, नाउ आई होस्ट वेरियस इवेंट्स, मेरी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, मैं मीटिंग्स को होस्ट करता हूँ, मैं लाइव प्रेजेंटेशंस देता हूँ, एंड द पीपल सी मी एज अ वेरी गुड स्पीकर, इवन अ मच बेटर स्पीकर देन देम। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने सिस्टम से अपनी स्पीचेस को ट्रांसफॉर्म किया। ना सिर्फ मैंने अपनी स्पीच को ट्रांसफॉर्म किया, बट अब मैं वन ऑन वन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, जो कि मुझसे वन ऑन वन कोचिंग ले रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स US से हैं, UK से हैं, इसके अलावा नाइजीरिया से एक मेरा क्लाइंट है, इसके अलावा यूरोप से हैं। तो आई एम वर्किंग विद पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एक इसके अलावा पाकिस्तान से है। तो मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ स्पेसिफ़िकली उनकी स्पीच के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अगर आप वन ऑन वन कोचिंग में मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने अपनी ईमेल शेयर की है, आप मुझे अपनी ईमेल के ऊपर बताएं और फिर आगे हम बात करेंगे। प्लस मैंने एक असेसमेंट सेशन का, फ्री असेसमेंट सेशन का लिंक भी शेयर किया हुआ है, जहाँ पर आपकी और मेरी एक फ्री वन ऑन वन कॉल होगी। मैं आपकी स्पीच को असेस करूँगा और आपको बेस्ट कोचिंग एंड बेस्ट प्राइसिंग ऑप्शंस बताऊँगा। नाउ कोचिंग से क्या होगा कि आपके पास वो पूरा कोर्स भी होगा और आपके साथ मैं भी होऊंगा, जो कि आपको आपकी जर्नी पर गाइड कर रहा होगा। और इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आप अपने रिजल्ट्स को, अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी हासिल कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, और बहुत कम वक्त के अंदर, बहुत कम वक्त के अंदर एक अमेजिंग, एक्सेलेंट स्मूथ स्पीकर बन सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, या इस लिंक के ऊपर आप मेरे साथ एक असेसमेंट सेशन भी बुक कर सकते हैं।
सही है। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल जिनको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन अवर वीडियोज़, एंड सब्सक्राइब। दैट्स वेरी हेल्पफुल, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज़ वेल, फॉर मी एज़ वेल, बिकॉज मेरी हेल्प होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाऊँगा जिन्हें मेरी इस सिस्टम की हमारी ज़रूरत है एक्चुअली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इंटरव्यूज़ और प्रेजेंटेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि बहुत मुश्किल सिचुएशंस बन के पेश हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो कि अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, सो वेट फॉर दैट वीडियो, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, हंसते खेलते रहें, एंड विल सी यू सून। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।